और बता दें कि एक प्लेयर के साथ हुई बड़ी नाइंसाफी। T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेलने को उनको मौका नहीं दिया गया और बिना मैच खेले ही अपने देश यानी कि भारत लौटेगा ये खिलाड़ी। इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा ने एक स्टार खिलाड़ी को मौका नहीं दिया। बता दें जबकि ये खिलाड़ी बहुत ही शानदार फॉर्म में मैच खेल रहा था, कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं किया था, लेकिन भारतीय टीम के एक ऐसे खिलाड़ी जिसे एक भी T20 खेलने का मौका नहीं दिया है, कैप्टन और रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल के खिलाफ मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 में युजवेंद्र चहल को जगह नहीं दी है। बता दें चहल को T20 वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मैच खेलने का मौका रोहित शर्मा ने नहीं दिया। बेंच पर बैठे बैठे उनकी काबिलियत बर्बाद होती नजर आई, जबकि एडिलेड ओवल का मैदान हमेशा से ही स्पिनर्स का मददगार रहा है। बता दें कप्तान रोहित शर्मा ने खराब फॉर्म से जूझ रहे अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। वही अक्षर पटेल बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। वो T20 वर्ल्ड कप में अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं दिखा पाए। वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, फिर भी कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी, उनको मौका दिया। वही मौजूदा T20 वर्ल्ड कप 4 मैचों में अभी तक सिर्फ 3 विकेट ही हासिल कर पाए थे, लेकिन रोहित के फैसले को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि फाइनल में भी चहल को जगह मिलना मुश्किल है। युजवेंद्र चहल ने अपने दम पर भारतीय टीम के कई मैचों को उन्होंने जिताए, लेकिन जब वो अपनी लय में होते हैं किसी भी बल्लेबाजी आक्रमणों को धज्जियां वो उड़ा सकते हैं और उतनी उनकी क्षमता है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए अभी तक 69 T20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 8.12 की इकोनॉमी से 85 विकेट हासिल किए थे। वही मिडिल ओवर्स में काफी किफायती रहे वो और उनकी गुगली को खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम में मौजूद रहे KL राहुल, बता दें रोहित शर्मा कप्तानी पर थे, विराट कोहली थे, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत विकेटकीपर के तौर पर, अक्षर पटेल थे, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार ने भी खेला, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह भी थे, लेकिन आज सभी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है।